सो गाइस, तो मैं आज के वीडियो में आपको सबसे आसान तरीके में कुछ स्टेप की फोटो एडिट करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग सबसे आसान तरीके में अपने हेयर को एडिट कैसे करेंगे और अपने फेस को स्मूथ और व्हाइट आप लोग कैसे करेंगे और अपने फोटो का बैकग्राउंड आप लोग इस तरीके से चेंजिंग मतलब कैसे करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर नया फोटो, तो आप लोग देखिए कि मतलब कि हेयर एंड बैकग्राउंड एंड फेस आप लोग, ठीक है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देना चाहता हूँ अच्छे तरीके से फोटो, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि फेस पर काफ़ी सारा पिम्पल और दाना है और फोटो काफी ज्यादा मतलब कि बेकार है। और यहीं पे आप लोग एडिट फोटो को देख लीजिए कि एडिट फोटो कितना खतरनाक और कितना बवाल है, आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए। तो अगर आपको भी सेम ऐसा ही फोटो एडिट करना सीखना है, सबसे तो हार्ड इसमें मुझे इसका हेयर लगे, तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में सिखाऊंगा कि हेयर को आप लोग एडिट कैसे करेंगे। तो आपको सारा चीज अच्छे तरीके से सीखना है, तो इस फोटो को कम्प्लीट आप वॉच करेंगे और देखेंगे, तो मैं आपको इसी टाइप की फोटो को एडिट करके सबसे आसान तरीके में सिखा दूंगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, तो इस नोटिफिकेशन पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है, जिससे कि आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर पहुंच जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रीसेट बनाया हूं, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वहां से डाउनलोड नहीं करना है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो प्रीसेट को कैसे फोटो पे अप्लाई करना है सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग प्रीसेट पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, थोड़ा देर यहाँ पर सर्च करिएगा, ठीक है। एंड गाइस, इसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पे इस तरीके से क्लिक करना है, जैसे कि थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और गाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे कॉफी सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से, तो क्लिक करेंगे एंड इसको करके क्रॉप को छोड़ के एंड फोटो को डन एंड राइट कर लेंगे। मुझे पता है कि आप लोग सब कुछ अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मेरे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको हटाएंगे, ठीक है, बैक मतलब कि बैक कर लेंगे और अपने ओरिजिनल फोटो पर आएंगे, जिस भी मतलब फोटो पर अप्लाई आप लोग करना चाहेंगे उस पर एंड थ्री डॉट पर क्लिक करिएगा इस तरीके से। तो थ्री डॉट पर इस तरीके से आपको क्लिक करना है एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे कि बहुत सारे भाई के कमेंट आता है कि सुबह भाई हमारे फोटो पे प्रीसेट काम नहीं करता है, तो मैं आप लोगों को आज एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक आपको ओरिजिनल प्रीसेट नहीं मिलेगा ना, तो आप लोग लाख पर करोड़ बार ट्राई कीजिएगा नहीं काम करेगा। तो मैं आपको इसका ओरिजिनल प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, अगर आप लोग वीडियो में कमेंट भी करेंगे तो मैं इसका ओरिजिनल ही लिंक दूंगा। तो जब तक आपको ओरिजिनल फोटो मतलब कि प्रीसेट नहीं मिलेगा, तब तक आपके फोन में काम नहीं करेगा एंड आपके लाइट एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। देखिए कि मेरा ओरिजिनल है, तो जैसे कि क्लिक करेंगे तो वन क्लिक में मेरा फोटो एडिट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका भी होगा, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपका भाई सब कुछ रियल एडिटिंग से क्या, ठीक है। एंड इसके बाद इस वाले फोटो को हम लोग ओपन कर लेंगे, सॉरी गाइस, सबसे फर्स्ट तो सेव कर लेंगे। सो गाइस, तो मेरा फोटो सेव हो चुका है एंड इस वाले फोटो को हम लोग इस तरीके से ओपन करेंगे एंड गाइस इसके बाद हम लोग इस वाले फोटो को ओपन करेंगे स्केचबुक ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्केचबुक ऐप के अंदर इस वाले फोटो को ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली गाइस आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार इस तरीके से क्लिक करना है एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से और आपको अपने फोटो को इंपोर्ट करना है इस तरीके से क्लिक करके। जो भी आपका फोटो आप लोग रिटचिंग किया होगा उस वाले फोटो को ले लीजिएगा जिस पे आप लोग प्रीसेट को अप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो मैं इस वाले फोटो को इस तरीके से ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ले लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को स्मूथ करेंगे। तो आप लोग बोलते हैं कि इसमें से फेस को स्मूथ करना अच्छे तरीके से हमको कोई नहीं सिखाता, तो आज आपका भाई सिखाएगा सबसे आसान तरीके में फेस स्मूथ करना है, ठीक है। इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, ऊपर ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से एक बार क्लिक कर लीजिएगा एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छे तरीके से, आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर देना होगा इस तरीके से, कम्प्लीट आपको फोटो एडिट करना आज सिखाएंगे, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका फॉलो को 5 एंड स्टैंड को भी इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, इसको भी मतलब कि 5 कर लेंगे, इस दोनों को 5 कर लेंगे। और एक चीज़ मैं और भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को स्मूथ यहाँ पे मिले तो ठीक है, स्मूथ, ठीक है, और अगर नहीं मिले तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा, तो इसको सेलेक्ट आप लोग कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देख लीजिए सारा चीज़ अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। एंड अब फोटो को कट करेंगे, सॉरी कि सेटिंग को कट करेंगे और साइज को जितना भी आपको मर्जी करे उतना आप लोग साइज को कर लीजिएगा और कट कर लीजिएगा इस तरीके से एंड फोटो को जूम कर लीजिएगा इस तरीके से। और आपको इस तरीके से अपने हेयर के मतलब सभी के अपने फेस के ऊपर अपने ब्रश को
आपको अप्लाई करना है। और मैं आपको ट्रेंडिंग हेयर एडिट करना सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए एंड देखिए मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। और देख लीजिए कि वन क्लिक में आप लोग भी इस टाइप से फेस को स्मूथ कर सकते हैं जैसे कि आपका भाई करे, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा और मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइस, तो आप लोग यहाँ पे मेरे वाले फोटो को देख ही सकते हैं कि मैं अपने फेस को स्मूथ और राइट काफ़ी मतलब शानदार तरीके से कर चुका हूँ, ठीक है। तो इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। अब गाइस आप लोग समझ के चलिए कि अब हम लोग फोटो एडिटिंग सीख चुके हैं। अब आपको जो भी चीज़ बताएंगे उसमें ना आपको मेहनत लगेगा ना ही आपको कुछ भी करना है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको मतलब कि अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिप्स को रेड करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे रेड करेंगे, सिंपली कैसे इसके लिए हम लोग कर देंगे ऊपर लेयर पर क्लिक इस तरीके से एंड ऊपर प्लस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो जैसे कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यूर की उठ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एनुअल पे आ जाएंगे और इसको सिंपली हम लोग सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कर लेंगे और कट करेंगे एंड ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके बाद हम लोग ऊपर ब्रश पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो जैसे कि क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड इस तरीके से कर लेंगे और इसके बाद मैं सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा इसके से, ठीक है। तो सेटिंग पे आएंगे जैसे कि और ऑपेसिटी को पूरा 100 कर लेंगे एंड इसका साइज जो भी होगा अपने हिसाब से आप लोग करके 30-32 अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ऊपर कलर्स पर क्लिक करना है इस तरीके से और जो भी आप अपने लिप्स का कलर रखना चाहेंगे वो आप लोग आराम से सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान प्रोसेस है। और आपको सिंपली क्या करना होगा, थोड़ा सा फोटो को जूम करके और जूम आउट करके इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं साइज को अभी प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और आप लोग इसीलिए नई वीडियो को देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आपको लंबा लगता है दिखने में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अच्छे से एडिटिंग को सीखेगा तो आप लोग फोटो एडिटिंग करने का पूरा मास्टर बन जाएगा मेरे भाई लोग। और थोड़ा सा एडिटिंग में तो टाइम लगता है मेरे भाई लोग, इसमें तो कोई बोलने वाला बात नहीं है। इसमें आपको एडिटिंग अगर आपको सीखना है तो एडिटिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ आप लोग अच्छे से सीखते हैं लेकिन एडिटिंग के लिए आपको टाइम तो देना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना काम आपको करके और अब मैं आपको थोड़ा सा भी अपने मतलब कि आपसे मैं थोड़ा सा भी टाइम अब नहीं मांगूंगा, अब मैं आपको सब कुछ आसान तरीके में सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली इस पर क्लिक करके बताऊंगा और शेयर पर क्लिक कर लीजिएगा और डिस्प्ले आइएगा आप लोग। सो गाइस, तो आपका फोटो इस तरीके से शेयर होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इस वाले फोटो को ओपन कर लीजिएगा 12 एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसान से मिलेगा नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, नीचे इफेक्ट वाले टूल्स पर इस तरीके से क्लिक कर लीजिएगा एंड आपको ऊपर सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आपको हेयर एडिटिंग अच्छे तरीके से सीखना है गाइस, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से फिर से एक बार देख लीजिए, इफेक्ट वाले टूल्स पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आपको सॉफ्ट स्मूथ पे एक बार इस तरीके से क्लिक करना होगा इस तरीके से आराम से, ठीक है। आप लोग देखिएगा और 4 नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड आपको मार्क्स पे क्लिक कर लीजिएगा इस तरीके से और थोड़ा सा अपने चश्मे के ऊपर से वाइल पेंट को हटा लीजिएगा इस तरीके से आराम से और थोड़ा सा अपने लिप्स पर से इस तरीके से हटाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अपने माला पर से मतलब कि आपका जो भी माला होगा उस पर से हटा लीजिएगा, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है दिखने में, ठीक है। तो आप लोग हटा लीजिएगा अच्छे तरीके से, फोटो को राइट एंड डन कर लीजिएगा। तो देखिए कि अगर आपको अच्छे से हेयर एडिटिंग सीखना है तो अब यहाँ पर वीडियो को आपको वॉच करना होगा, अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना काम करके इस वाले फोटो को सेव कर लीजिएगा एंड इस थोड़ा सा मोबाइल को ऑन कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। नीचे शेयर मोड पे क्लिक कर लीजिएगा इस तरीके से जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और आपको फोटो ऐप के अंदर इस वाले फोटो को ओपन कर लीजिएगा, तो जिससे कि आप लोग इस वाले एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका जितने जल्दी नेट चलेगा उतने जल्दी एप्लीकेशन आपका फोटो कट करके आपको दे देगा। सो गाइस, तो आप लोग लाइव देखिए मेरा फोटो कट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी करेंगे चीज़ आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिए, ठीक है। तो आपको सिंपली व्हाइट वाले ऑप्शन के ऊपर एक के नंबर पे क्लिक कर लीजिएगा 1 नंबर पे, ठीक है। एंड गाइस आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे बैकग्राउंड पर आइएगा, आपको चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक कर लीजिएगा, इमेज पर आइएगा इस तरीके से और ऊपर आपको गैलरी पर क्लिक कर लेना है एंड गैलरी में आइएगा आप लोग अपने, ठीक है। और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ले लीजिएगा जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इस वाले बैकग्राउंड को ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको जितना भी आप लोग ज़्यादा ब्लर करना चाहेंगे तो ब्लर वाले ऑप्शन को इस तरीके से प्लस कर लीजिएगा एंड सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब कि जो भी आपको DISC लिखा होगा उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको फिर जितना भी आप लोग बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहेंगे उतना कर लीजिएगा, 100 कर लेंगे और डन कर लेंगे, ठीक है। और आप मोबाइल को ऑफ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बस आपको इस वाले फोटो को यहाँ से ओपन करें पिकड ऐप के अंदर
अंदर जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अलाउ कर लीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा सा भी टाइम आपसे नहीं लेंगे। इस वाटरमार्क को हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और जिस भी फोटो को आप टूल बिच एप्लीकेशन के अंदर से ओपन किए होंगे, मतलब सेव किए होंगे, उस वाले फोटो को इस तरीके से ले लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा। ऊपर इरेजर पे क्लिक करके इसको इनवाइट कर लीजिएगा और आप लोग इस तरीके से मतलब कि अप्लाई करेंगे तो हर जगह पता है क्या होता है कि जो भी उस पर वाटरमार्क नहीं होता ना वो वाला मतलब यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अप्लाई कर लीजिएगा इस तरीके से और फोटो को डन एंड राइट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक PNG को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है सबसे आसान तरीके में सीखिए आप लोग, ठीक है। अब हेयर एडिटिंग सीखने के लिए ना वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा तभी मैं आपको सिखा पाऊँगा मेरे वेल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली करूँगा एक PNG को ऐड, ठीक है, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको यहाँ पे रखेंगे एंड इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे एंड इसको हम लोग लाइटन कर लेंगे, इस तरीके से लाइटन कर लेंगे, ठीक है। लाइटन करने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा छोटा करके और यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। हेयर एडिटिंग सीखिए, ठीक है। अब हेयर एडिटिंग सीखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिएगा एंड इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे आना है, देन कि इसके बाद इसका साइज पूरा 100 कर लेना है और इसके बाद आपको इस तरीके से जितना भी आप लोग ज़्यादा हेयर को बड़ा करना चाहेंगे यहाँ से हेयर बड़ा होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे एडिटिंग करना है हेयर आपको, ठीक है। तो आप लोग हेयर को एडिटिंग करने के लिए इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए एंड देखिए, तो आपको जितना भी हेयर को बड़ा करना आप लोग चाहेंगे उतना यहाँ से आप लोग हेयर को बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आपका भाई करे, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने हेयर को बड़ा कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अपने हेयर को इस तरीके से गाइस बड़ा कर लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको कर लेता हूँ अच्छे तरीके से और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। एडिटिंग सीखना है तो घबराना नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा हेयर को और भी इस तरीके से अच्छे से कर लूँगा एडिटिंग। थोड़ा सा हम लोग घबराएंगे क्यों, हम लोगों को यही काम तो करना है तो हम लोग घबराएंगे क्यों, अगर फोटो एडिटिंग सीखना है तो घबराएंगे क्यों, हम लोगों को जब यही काम करना है गाइस तो हम लोग अच्छे तरीके से थोड़ा करेंगे तो हम लोग पूरा कुछ कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाद फोटो को राइट एंड डन कर लेंगे। तो देख लीजिए हेयर कितना बड़ा हो चुका है, देखिए कि पहले हेयर कितना छोटा था और अब कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद हम लोग ड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे और ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेव इमेज पे क्लिक करेंगे तो पूरा HD क्वालिटी में आपका फोटो सेव हो जाएगा और मोर पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहीं से चल जाएंगे स्केडू कैप के अंदर, नहीं तो जाके ओपन करके आप लोग कर सकते, तो यहीं से आप लोग आ जाइएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको मतलब कि गाइस क्लिक कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। इस तरीके से और अपने फ़ोटो को ले लेना होगा इस तरीके से आपको ले लेना है, ठीक है। तो जैसे कि हेयर को एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस क्या करेंगे, एक ब्रश को सिलेक्ट करेंगे जिसका मैं आपको अच्छे से तरीके से राज बताऊँगा, तो आप लोग यहाँ पे जाइएगा और ब्रश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए कि मैं इस वाले ब्रश से हेयर एडिटिंग करता हूँ तो आप लोग भी इसी वाले ब्रश का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर लूँगा और इसका साइज सेटिंग क्या है इसको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। तो साइज क्या है मैं आपको अच्छे से इसको करके बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा 16, इसको मतलब कि 14 देख लीजिए, इसको 16 एंड इसको 14 करके और साइज को अपने हिसाब से करके 71-72 और कट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको हेयर को एडिटिंग करना है, इस तरीके से आपका हेयर जो भी होगा ना मेरे भाई लोग काफ़ी खतरनाक तरीके में एडिटिंग होगा और दिखने में ना आपको इतना कमाल का हेयर लगेगा ना मेरे भाई लोग कि आप लोग बोलिए कि हाँ सुबह से आप हेयर एडिटिंग करना सिखा रहे हैं हमको, ठीक है। तो पूरा रियली स्टिक सिखाएंगे और रियल तरीका बताएंगे हेयर एडिटिंग एंड सब कुछ करने का पूरा रियल तरीका बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो में टाइम देकर वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा एंड वीडियो को आप लोग देखिएगा तभी आप लोग जाके कहीं एडिटिंग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीके से अपने हेयर को एडिटिंग करना है, ठीक है। तो जितना हो सकेगा उतना अच्छे से अपने हेयर को एडिट कीजिएगा आप लोग और काफ़ी शानदार तरीके से कीजिएगा क्योंकि आपका हेयर दिखने में अच्छा लगे और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इतना बताया हूँ और आप लोग अच्छे तरीके से जाके कीजिएगा अपने हेयर को एडिटिंग थोड़ा हमसे भी अच्छे तरीके से और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बार वीडियो को समय फिर से मिल जाओ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतना ही और फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।